बैम्बू इडली बैम्बू चिकन। माधापुर नाम के एक गांव में धर्मेंद्रा नाम का एक अमीर आदमी हुआ करता था। उसकी बेटी और दामाद दोनों डॉक्टर्स थे। धर्मेंद्रा के पास मुन्ना कन्ना नाम के दो लोग काम करते थे। दोनों एक से बढ़कर एक धर्मेंद्रा की सेवा करते थे। एक कॉफी देता तो दूसरा पेपर देता था। एक सर का मालिश करता तो दूसरा पैर दबाता था। धर्मेंद्रा खाने का बहुत शौकीन था। अगर एक दिन भी चिकन करी के साथ इडली नहीं खाया तो उसका दिन बहुत मुश्किल से गुजरता था। मुन्ना इडली परोसता तो कन्ना चिकन परोसता था। उसे अच्छे से खाने के लिए दोनों प्रोत्साहित करते थे। धर्मेंद्रा, आहा, चिकन करी के साथ इडली खाने का मजा ही कुछ और है। जिसने भी इसकी खोज की उसको मेरा सलाम। कहा तो मुन्ना, हाँ साहब, इसका स्वाद अद्भुत होता है, एक और इडली लीजिए। कहकर परोसा तो कन्ना, इडली में चटनी सांभार के मुकाबले ये चिकन करी और अच्छा लगता है श्रीमान, और थोड़ा चिकन करी खाइए ना। कहकर डालता था। आए दिन ये सब गौर करते हुए बेटी और दामाद को बहुत गुस्सा आता था। एक बार बेटी, रे रुकिए, आप दोनों मिलकर उनकी सेहत को खराब कर रहे हैं। कब क्या होगा कहकर हम डर रहे हैं। बोली दामाद, हाँ आप दोनों मिलकर आए दिन इडलियों में उतना सारा घी डालकर इतना चिकन खिलाते गए तो इनके शरीर में चर्बी चढ़ेगी। ऐसे ही चला तो इनके दिल को कितना खतरा होगा जानते हो। पहले आप दोनों को काम से निकाले तो अच्छा रहेगा। कहा धर्मेंद्र, रुको बेटा, वो बेचारे क्या करेंगे, वैसे आए दिन चिकन खाए तो चर्बी क्यों बढ़ेगी भला। आप डॉक्टर लोग ऐसे ही कहते हैं, मैं बहुत सालों से चिकन खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना। आप भी चिकन करी के साथ इडली खाइए, हर दम वो ब्रेड जाम फल खाते हुए तुम ऊब नहीं जाते क्या। कहा एक बार धर्मेंद्रा इडली चिकन खाते हुए अचानक से अपने दिल पे हाथ रखकर गिर गया। मुन्ना और कन्ना दोनों तुरंत उन्हें उठाकर कार में हॉस्पिटल ले जाकर उन्हें ज्वाइन किए। वहां उनकी बेटी और दामाद दोनों मिलकर उनका इलाज करके उनकी जान बचाए। बाद में दामाद मुन्ना और चिन्ना को एक थप्पड़ मारकर, निकम्मो, तुम लोगों के वजह से ही ये सब हुआ है, उन्हें बारी बारी करके खिलाए थे ना, अब देखो क्या हुआ। कहा बेटी तब, हाँ अब से आप दोनों उनके साथ नहीं रह सकते, अभी के अभी काम छोड़कर चले जाइए। कहकर पुकारी धर्मेंद्रा तब, बेटी शांत हो जाओ, इसमें उनकी गलती कुछ नहीं है। अगर ये दोनों सही वक्त पे मुझे हॉस्पिटल नहीं लाते तो पता नहीं क्या होता था। सालों से हमारे पास ही रह रहे हैं ना, कृपा करके उन्हें काम से मत निकालो प्लीज। कहा इससे दामाद और बेटी गुस्से से चले गए। तब से चिन्ना मुन्ना धर्मेंद्रा की अच्छे से देखभाल करने लगे। धर्मेंद्रा को आए दिन वॉकिंग ले जाना, उनसे एक्सरसाइज करवाना, अच्छा पौष्टिक आहार खिलाना, समय पर दवाइयां देना, ये सब करने लगे। एक बार धर्मेंद्रा उदास बैठा था। चिन्ना तब, श्रीमान क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो बताइए। कहकर पूछा। मुन्ना तब, बोलिए साहब, हमसे कोई गलती हुई क्या, कृपा करके बताओ। कहा धर्मेंद्र तब, क्या कहूँ रे, ये फल और सब्जी खा खा कर मेरी जुबान जम गई है, ऐसे जीने से मरना बेहतर होगा। आए दिन मुझे इडली चिकन खाए जैसे सपने आ रहे हैं, ये बात बोलने के लिए भी मुझे शर्म आ रही है। कहकर रोने लगा चिन्ना तब, अरे अरे ये कैसी परेशानी है, मगर आप चिकन खाए तो बेटी और दामाद जी नहीं मानेंगे ना। कहा मुन्ना तब, रे हम इडली के ऊपर घी डाल रहे हैं और चिकन को तेल में तल रहे हैं, उनके वजह से ही ना ये चर्बी की परेशानी है, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। कहकर क्या करना है उसे बताया। ये सुनकर धर्मेंद्रा बहुत खुश हुआ। बाद में वो दोनों मिलकर घर के सामने थोड़े बांस लाकर रखे, वहां एक बड़ा चूल्हा भी रखे। चिन्ना एक बांस के अंदर इडली का घोल भरने लगा। मुन्ना चिकन में अच्छे से मसाले मिलाकर दूसरे बैम्बू के अंदर उन्हें भरने लगा। ऐसे थोड़े बैम्बू तैयार हुए, दोनों उन बांस को अंगारों पे जलाए। बाद में उनके अंदर से इडली और चिकन करी को निकालकर एक प्लेट में डाले। उसे खाकर धर्मेंद्रा, वाह कितना स्वादिष्ट है यह चिकन इडली, अद्भुत लाजवाब है, वाह, और दो इडली देकर चिकन डालो जल्दी। कहा वो ऐसे खाने लगा, तभी वहाँ पर बेटी और दामाद आए। उन्हें देखकर चिन्ना और मुन्ना डर गए।
धर्मेंद्रा तब। बेटी दामाद जी, इसमें घी और तेल डाले बिना बनाए ऐसे खाए तो भी समस्या है क्या? जरा आप भी इसका स्वाद चखके बोलिए कैसा है। कहा मुन्ना तब। मेम साहब, पिताजी चिकन के लिए तरस रहे तो मैंने ही बैम्बू में बनाए तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा बोला था। मुझे माफ कीजिए। कहा इडली और चिकन खाकर दामाद और बेटी अचेत हो गए। दामाद तब, वाह ये बहुत स्वादिष्ट है। बैम्बू में चाहे जो भी बनाए वो सेहत के लिए लाभदायक ही होता है, इसलिए बैम्बू में बनाए चिकन को खाए तो कुछ नहीं होगा। इससे धर्मेंद्रा, मुन्ना, चिन्ना सब खुश हुए। उस दिन से वो दोनों बैम्बू इडली चिकन बनाकर धर्मेंद्रा को खिलाते हुए खुशी से रहने लगे।